आज बिहार ने जो सर्वे किया है और जिस तरीके से जातियों के आंकड़े आए हैं, मैं समझता हूं बिहार ने एक नई क्रांति जगाई है। अंतर्गतवा चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या कहीं की सरकार हो, उन्हें जाति जनगणना करनी पड़ेगी और हम समाजवादी पार्टी के लोग पहले दिन से इसके पक्ष में हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए और कास्ट सेंसस से कम ये पता लगेगा हमारी आबादी का स्वरूप क्या है, हम उन गरीब लोगों को कैसे मदद करें। पॉलिटिकल इक्वालिटी आना और समाज में बराबरी आना, सामाजिक न्याय तभी संभव है जब जाति जनगणना पूरी होगी और जाति जनगणना के तहत अगर पॉलिसीज बनेंगी तो सामाजिक न्याय जिसकी कभी कल्पना की थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के तहत, वो हमारे पूरे होंगे। सर इसी जुड़ा हुआ सवाल है, श्रद्धे नेताजी कहा करते थे कि जाति जनगणना हो 10 तारीख को, एक काम हो जाएगा हमारी नेताजी, लेकिन सर बीजेपी कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो जाएगी तो जातिवाद फैल जाएगा, उनको कैसे जवाब देंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक किताब लिखी है जाति को लेकर, एलिमिनेशन ऑफ कास्ट, और वहीं डॉक्टर राम लोहिया जी ने किताब लिखी है जाति तोड़ो, और समय समय पर हमारे समाज में महापुरुष या बहुत से साधु संत इस तरह के आए जहां बुराइयों के खिलाफ लड़े हैं या जातियों को कैसे जोड़ा जाए, जातियों में भेदभाव कैसे खत्म किया जाए, उस पे काम हुआ है। जाति जनगणना के बाद मैं समझता हूं समाज में सब हक और सम्मान के साथ जी सकेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो इस तरह की बात कर रही है, उनके सोच के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। कास्ट सेंसस से सामाजिक न्याय होगा और जितना सामाजिक न्याय हम समाज में देने में कामयाब होंगे उतना ही समाज हमारा सम्मान से जिएगा। कांग्रेस भी अब जातीय जनगणना को लेकर अपने चुनावी घोषणाओं में लेके आ गई, क्या राष्ट्रीय जो चुनाव होगा उसमें भी सारी चीजें रहेंगी। देखिए ये मैंने कहा था चमत्कार है, ये चमत्कार हुआ है डेमोक्रेसी में कि कांग्रेस पार्टी भी अब कास्ट सेंसस के पक्ष में है। 2024 का जो चुनाव होगा उसमें सभी जो इंडिया गठबंधन सभी लोग रहेंगे। 2024 का चुनाव एनडीए को कोई हराने जा रहा है तो वो पीडीए, पीडीए हराएगा एनडीए को। देखिए आप में से कुछ चैनल ऐसे होंगे जिनकी पे भी छापे पड़ चुके हैं और मुझे खुशी इस बात की कि यहाँ जो चैनल हैं अभी एक आध बचाओ तो बचाओ और आप इस रिकॉर्ड को ठीक करिएगा और इस बात को जरूर कहिएगा, ये जितने हमें चैनल दिखाई दे रहे हैं, ये जो नए बने उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जितने चैनल हैं इन पर भी समय समय पर आईटी, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के छापे पड़ चुके हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, ये जितने ही छापे पड़ेंगे उतने ही देश की जनता नाराज होगी भारतीय जनता पार्टी से। अभी मैं प्रतापगढ़ में कह रहा था कि 100 करोड़ लोग इनसे नाराज हैं, क्या 100 करोड़ लोग क्या छापा मार हो गया भाई, 140 करोड़ में 100 करोड़ लोग नाराज हैं, खिलाफ हैं, तो क्या 100 करोड़ लोगों की गिरफ्तारी होगी। आज 101 करोड़ हो गए, 1 करोड़ और बढ़े, तो आप में से छापे पड़ चुके होंगे, आप बताओ कौन से चैनल पे नहीं छापे पड़े, मैं बता दूं बताओ कब पड़ा छापा। यहां जितने लोग हैं कोई हमारा पत्रकार साथी किसी चैनल का नाम ले उसका गूगल करके देखना कि कब छापा पड़ा था उस पर, इनकम टैक्स वो बता देंगे। मैं और चैनल की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन आप जानते हो सबके पड़े हुए छापे, इधर छापा इसलिए है कि लोग डर जाए, लोग बीजेपी से घबरा जाए, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। आप देखिए घोसी में मुख्यमंत्री कितने सालों पुरानी कहानी क्या बता के आए थे अपने भाषण में, डिप्टी सीएम जो भी डिप्टी सीएम के सब मंत्री अधिकारी फिर पुलिस के ट्रांसफर हुए,
फिर जो खासम खास अधिकारी को पोस्ट हुए उसके बावजूद भी जनता ने क्या फैसला लिया, 50,000 ही हार भारतीय जनता पार्टी हारी है भूलती है। और मुझे यकीन है, मुझे भरोसा इस बात का, ये हमारे जितने अंबेडकर वाहिनी और अनुसूचित जनजाति के जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, पदाधिकारी संगठन के लोग हैं, ये गांव हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा में बुरी तरह उत्तर प्रदेश से हारने जा रही है। ये जब भी सरकार कहती है गड्ढा मुक्त तो दो लोग खुश होते हैं, एक इंजीनियर और ठेकेदार, उससे जनता को कोई राहत नहीं मिलती। जब आप हमारे पत्रकार साथी हैं जितने भी हैं, आप पता करिए, जब जब सरकार ने ये कहा होगा कि उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, उस समय इंजीनियर कितने खुश हुए होंगे, ठेकेदार कितने खुश हुए होंगे। और मैं आपसे कहूंगा, आप हिसाब लगाइए, जब से बीजेपी की सरकार आई है हजारों करोड़ खर्च हो चुके हैं केवल गड्ढा मुक्ति पर, और मुझे लगता है 10,000 करोड़ इन्होंने खर्च किए होंगे। अगर ये आंकड़ा मैं गलत बता रहा हूं तो ये आंकड़ा आप ठीक करना और जनता को बताना कि पिछले 7 साल का हो जाएंगे यार तो गड्ढा मुक्ति पर कितने 1,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्च किए। अरे गड्ढा क्या हटाएंगे ये, जब सांड नहीं हटा पा रहे। और ये हमारा प्रिय सब्जेक्ट नहीं है, ये बीजेपी वाले अपने इस मुद्दे से ये कहकर के हटना चाहते हैं कि ये विपक्ष का और खासकर मेरा प्रिय मुद्दा है। अगर आप अखबार पढ़ेंगे और खबरें पढ़ेंगे, कोई दिन नहीं जाता उत्तर प्रदेश में जिस दिन एक सांड किसी को टक्कर न मार रहा हो और जान न ले रहा हो। आज ही दो खबरें अखबार में, एक गुरसाईगंज लखनऊ में और एक मैनपुरी में, किसी वृद्ध महिला को सांड ने पटक पटक के मार दिया, और लखनऊ में एक व्यक्ति को 26 तारीख को मारी थी टक्कर, आज उसकी जान चली गई। उस दिन सोशल मीडिया पे चल रहा था कि एक पत्रकार साथी ने कभी हमने सांड की खबर चलाई होगी या सोशल मीडिया पे डाली तो उसने मजाक उड़ाया उस बात को, लेकिन एक हफ्ते बाद उसका कोई परिवार का सदस्य भाई उसकी भी सांड के टकराने से जान चली गई। केवल उसकी नहीं गई, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में एक अधिकारी काम करते थे, उनकी गाड़ी टकराई, उनकी जान चली गई। तो सोचिए, मुख्यमंत्री को चिंता ही नहीं है,